So good morning. Today we are going to understand portfolio performance evaluation. So basically portfolio का जो performance है उसको कैसे evaluate करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. So basically portfolio evaluation जो है वो सबसे last process होती है portfolio management की. Portfolio के बारे में हमने जब पढ़ा था तो portfolio means एक ऐसा combination securities का जिसके अंदर हम कम risk के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा return लेने का plan करते हैं. Now, portfolio जो है portfolio evaluation is the stage where we examine to what extent objectives has been achieved. तो जब हम portfolio बनाते हैं so हमारे कुछ objectives होते हैं. तो जब हम portfolio evaluation करते हैं at that time we need to examine कि हमने जो objectives apply किए थे जो find out किए थे वो objectives कितने achieved हुए. Through portfolio evaluation investor tries to find out how well the portfolio has performed. तो जब हम पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये फाइंड आउट करते हैं कि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है. सो इस तरीके से पोर्टफोलियो का जो इवेल्यूएशन है वो होता है और पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन के बिना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनकम्प्लीट कहलाता है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन के मीनिंग की बात करते हैं सो पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन इज रेफर्स टू इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन मींस जो पोर्टफोलियो है उसके परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, चेकआउट करते हैं. सो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पोर्टफोलियो इवेल्यूएशन कंप्राइजेस टू फंक्शंस, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन. सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट मींस हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में या अकाउंटिंग टर्म्स में हम यह आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पोर्टफोलियो है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने टाइम के लिए उसने कितना रिटर्न जनरेट किया है. दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट. सेकंड इज़ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन जो है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन इज़ सेइंग अबाउट कि परफॉर्मेंस अच्छी रही या ख़राब रही, राइट. सो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन में. उसके बाद जब हम परफॉर्मेंस जो होती पोर्टफोलियो की जब उसको इवेल्यूएट करते हैं सो इसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में रिस्क कितनी एसोसिएटेड है, राइट. बिकॉज इफ़ देर इज़ अ मोर रिस्क देन देर इज़ चांसेस ऑफ मोर रिटर्न. सो हम जब पोर्टफोलियो का इवेल्यूएशन करते हैं पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं सो वी हैव टू इन्वॉल्व हाउ मच रिस्क इज़ देयर एंड कितनी रिस्क की क्लास की उसके अंदर शेयर्स थे, सिक्योरिटीज़ थी, उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन किया जाता है. अब नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इवेल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सो इवेल्यूएशन इज़ एन अप्राइजल ऑफ परफॉर्मेंस कि हमको वो चीज़ और आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है उसके लिए हम हर एक चीज़ का इवेल्यूएशन करते हैं. सो जब कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की जाती है चाहे वो पोर्टफोलियो के थ्रू हो, चाहे इन्वेस्टर्स खुद करें या म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, हर एक केस में जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे इंडिविजुअल्स के केस में आप और हम जैसे लोग हैं तो हम सेल्फ इवेल्यूएशन करते हैं, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है उससे हमको कितना रिटर्न मिला, क्या सिक्योरिटीज़ थी हमारी, हमने सोचा था कि हमको 10% रिटर्न मिलेगा बट मिला 5%. सो ये जो सेल्फ इवेल्यूएशन है ये हम इसीलिए करते हैं कि ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारी मिस्टेक्स कितनी रही, राइट. फिर दूसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स. जब भी हम म्यूचुअल फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज इनकी बात करते हैं तो इस केस में जो इवोल्यूशन करते हैं हम वो किसका किया जाता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनका, कि वो कितने प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपने स्किल्स के थ्रू कितना रिटर्न जनरेट किया है, उनके जो फंड्स हैं वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है. देन इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. जब भी हम इन्वेस्टर्स या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वो जनरली अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं. सो म्यूचुअल फंड में जब हम रखते हैं तो इवोल्यूशन इसीलिए किया जाता है कि जब हम कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की बात करेंगे, सपोज़ मार्केट में 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, सो उन म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, कितना रिटर्न कौन सा म्यूचुअल फंड दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव दो तरीके के होते हैं, ठीक है. एक ट्रांजेक्शन व्यू होता है. ट्रांजेक्शन व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यानी कि जो परचेज और सेल किया है उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में उसकी करेक्टनेस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को व्यू करते हैं, उसको मेज़र करते हैं. दूसरा है सिक्योरिटी व्यू.
सिक्योरिटी व्यू इज़ लाइक बेसिकली कि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि हमने एक शेयर या एक मार्केट प्राइस पे कुछ ख़रीदा, उसको कितने टाइम होल्ड किया, उसका टाइम पीरियड, उसका इंटरेस्ट, उस टाइम पीरियड का डिविडेंड, वो सारी चीज़ों को हम जब चेकआउट करते हैं और उसके बेसिस पे मेज़र करते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी व्यू। थर्ड इज़ पोर्टफोलियो व्यू, जब एक इन्वेस्टर्स पूरे पोर्टफोलियो को मेज़र करता है, उसका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, राइट, उसमें इंडिविजुअल एक एक सिक्योरिटी शेयर्स को नहीं मेज़र किया जाता, तो ये होता है पोर्टफोलियो व्यू। नाउ अब हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ मेज़र्स ऑफ पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। सो यहाँ पर मेज़रमेंट के हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, शार्प मेज़र्स, ट्रेनर मेज़र्स एंड जेंसन मेज़र्स। तो ये तीन अलग अलग लोग हैं जिन्होंने कुछ मॉडल्स डेवलप किए हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो जो होता है उसका परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र किया जाता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे शार्प मेज़र्स। शार्प मेज़र इज सेइंग दैट, शार्प परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक परफॉर्मेंस रैंकिंग के लिए यूज़ होती है, चाहे वो फंड्स हो या पोर्टफोलियो। शार्प इंडेक्स जो है वो मेज़र करता है रिस्क प्रीमियम ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क प्रीमियम की हम बात करते हैं तो रिस्क प्रीमियम वो प्रीमियम होता है जो सपोज़ जैसे मार्केट में एक कोई चीज़ है, एक शेयर है, उसका प्राइस सपोज़ 10 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मिलता है, से 6% है, तो जो 6% और 10% जो मार्केट रिटर्न का डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाएगा रिस्क प्रीमियम। सो यहाँ पे रिस्क प्रीमियम को हमने इन्वॉल्व किया है। दूसरा जो पोर्टफोलियो होता है इसमें रिस्क प्रीमियम आप देखेंगे यहाँ पे, द रिस्क प्रीमियम इज डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क लेस रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको हम डिफरेंस निकालते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिकेट करती है कि पोर्टफोलियो जो आपका है उसका कितना रिस्क है, ठीक है। सो इसका एक फार्मूला होता है, शार्प इंडेक्स इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। नाउ इसके बाद आता है द सेकंड इज ट्रेनर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। So in this index, what we need to identify, there is investor should know the concept of characteristic line. So here we identify the relationship between given market return and funds return, right? So दो चीज़ें हम identify करेंगे कि market return कितना है and दूसरा that is जो उसका fund का return कितना है, and the fund performance is measured in relation to the market performance. जो fund की performance है वो हम market performance के basis पे measure करते हैं। And here the idle funds return rises at a faster rate than general market performance when the market is moving upward. So यहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि जो fund की performance है वो ज़्यादा faster rate से perform करती है when जब market जो है वो moving upward कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो, एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न डिक्लाइंस, इसकी रेट ऑफ रिटर्न कम भी होती है व्हेन द मार्केट रिटर्न इज डिक्लाइन। सो यहाँ पे हियर द आइडल फंड मे प्लेस इन फंड इन ट्रेजरी बिल्स और शॉर्ट सेल्स। सो जब भी ये मार्केट डाउन होता है, रिटर्न होता है, तो इसका जो फंड्स हैं उसको ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट्स और जो स्टॉक्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है, सो देट जो रिटर्न है वो नेगेटिव ना हो और पॉजिटिव रहे। इसका एक फार्मूला है जो ट्रेनर यूज़ करता है, दैट इज़ TN इक्वल्स टू पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न। जो पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न है वो माइनस रिस्क लेस रेट ऑफ रिटर्न, जो रिस्क फ्री रेट जिसको हम बोलते हैं, वो डिवाइडेड बाय बीटा कोफिशिएंट ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा कोफिशिएंट जो होता है दैट इज़ अनडाइवर्सिफाइबल सिस्टमेटिक रिस्क, जो पोर्टफोलियो की ऐसी रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ बीटा, राइट। थर्ड इज जेंसन्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो जेंसन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इट इज़ वी कैन से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इसमें रिस्क को एडजस्टेड करते हुए जो रिटर्न मेज़र किया जाता है, इट इज़ डेवलप्ड बाय माइकल जेंसन एंड इसका जो कॉमन नाम है वो है जेंसन्स मेज़र। इट इज़ मेंशन एज एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बिकॉज डेफिनेट स्टैंडर्ड इज सेट। इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट होते हैं अगेंस्ट परफॉर्मेंस इज मेज़र्ड। यहाँ पे मैनेजर जो होता है वो एक प्रेडिक्टिव एबिलिटी के साथ में
परफॉर्मेंस कैसी होगी पोर्टफोलियो की वो मेज़र करता है। एंड ऑन दिस बेसिस जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी रिस्क होगी और कितना रिटर्न उनको मिलेगा। सो हियर द फार्मूला इज़ RP इक्वल्स टू इंटरसेप्ट प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। RP इज द जेंसन्स मेजर एंड हियर द इंटरसेप्ट इज द एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मैनेजर प्लस बीटा। बीटा मीन्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। ब्रैकेट में फिर हम वही रिस्क प्रीमियम को लेंगे, मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। सो हियर इस तरीके से हम लोग जेंसन्स मेजर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आती है हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे हम हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न जनरेट करते हैं विद द लोएस्ट पॉसिबल ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे दो हैं, एक एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है और दूसरी है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं दैट इज़ बेसिकली रिलाई विद द पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एनालिसिस और मैनेजमेंट कैन जनरेट रिटर्न दैट कैन बीट द मार्केट। ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हम पर्टिकुलर स्टाइल अडॉप्ट करते हैं और जिसमें हम जो मार्केट रिटर्न्स हैं उनको बीट करते हुए जनरेट रिटर्न जनरेट करते हैं रिटर्न्स को। इट इन्वॉल्व्स हायर देन द एवरेज कॉस्ट। ये जो है इसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। इट्स स्ट्रेस ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। वो इसका जो पर्टिकुलर फोकस होता है वो ये रहता है कि मार्केट की जो एफिशिएंसीज़ हैं इनएफिशिएंसीज़ हैं उससे हम फ़ायदा उठाएं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एडवाइस ऑफ एनालिस्ट एंड मैनेजर्स। ये जो स्ट्रेटजी है ये एडवाइस एनालिस्ट और मैनेजर्स की एडवाइस पे ही इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके अंदर दो अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो ये आइडेंटिफाई करती है कि हम ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदें जिनका मार्केट में अच्छा चल रहा है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसी कंपनी के शेयर्स को हम पहले परचेज़ करते हैं। बॉटम अप्रोच इज सेइंग कि हम लोग जो कंपनीज़ हैं उनके फंडामेंटल्स को देखते हुए, उनके रिटर्न्स को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए जब उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच। दूसरी होती है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी होती है दैट रिलाइज ऑन अ फैक्ट दैट मार्केट आर एफिशिएंट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बीट द मार्केट रिटर्न्स, राइट। सो ये इसके लिए मार्केट रिटर्न्स जो हैं उसको बीट करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड द बेस्ट रिटर्न आर ऑब्टेंड फ्रॉम लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। जो इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। देन द नेक्स्ट इज इसके अंदर दो तीन थ्योरी होती हैं। एक एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हम यूज़ करते हैं जो कि कहती है कि कम रिटर्न में कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करना चाहिए, राइट। एंड द नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के अंदर हम बात करते हैं कि ऐसे पोर्टफोलियोज बनाएं जिसमें हम इंडेक्स फंड्स को यूज़ करें। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं रेदर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। और तीसरी होती है एक पैटेंट फॉर पैशन पोर्टफोलियो। पैशन पोर्टफोलियो मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय और होल्ड करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, दिस इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड। एंड इसके अंदर जो क्लासिक कंपनीज़ हैं जो हमेशा ग्रोथ देती आई हैं ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक होता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो, जो ऐसी कंपनीज़ जिनके प्राइजेस ज़्यादा हैं, जो हाई रिस्क हैं, जिनमें ग्रोथ जल्दी होती है, ऐसी कंपनीज़ को क्या देता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। एक होती है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, दैट इज़ जो ऑब्जर्व करती है मार्केट रिटर्न्स, अर्निंग्स एंड ग्रोथ, और इसके अंदर कॉन्स्टेंट डिविडेंड की जो हिस्ट्री है ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में लेते हैं।